हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है विजय दशमी, तो आप सभी को हैप्पी विजय दशमी टू ऑल ऑफ़ यू। तो दोस्तों, आज जो है माँ का विदाई होगा, तो जा रही हूँ माँ को सिंदूर करने और मिठाई खिलाने। तो चलिए आप लोग भी। तो दोस्तों देखिए, अभी जा रही हूँ मैं और बड़ी वाली बाबू, और छोटी वाली बाबू जो है वो नहा धोकर सो गई है, नहीं तो उसको भी लेकर आते। तो उसी की वजह से बाबू का पापा भी नहीं आ पाए, क्योंकि घर में तो एक लोग को रहना पड़ेगा, छोटी बाबू सो गई है। तो देखिए, अभी जो है पंडाल के पास पहुंचने ही वाली हूँ, और थोड़ा सा लेट हो गया हमको, करीब 1:30 बज गया था, क्योंकि घर में बच्चे हैं, सारा काम है, सब करके ही आना होता है। तो देखिए, अभी जो है मैं पहुंच गई हूँ, और अभी इस टाइम में थोड़ा भीड़ भी कम है, क्योंकि जो भी महिलाएं और जो भी सब पूजा किए वो पहले ही करके चले गए, फिर भी अभी भी कर रहे हैं सब लोग। तो चलिए देखिए, आ गए हैं पंडाल के पास और अभी चलेंगे अंदर। तो और जो भी मेरी फ्रेंड्स हैं, सभी मिले थे इधर सब, मतलब अच्छा हुआ कि माता की कृपा से सभी दोस्त लोग मिल गए, नहीं तो अकेलापन लगता। तो मिल गए सभी दोस्त, तो अच्छा लगा। तो सभी मिलकर पूजा किए हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी भी बहुत ही भीड़ है, सब लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरा दीदी मिल गई। मेरा ही कॉलोनी में पहले रहते थे दीदी, बहुत ही मतलब हेल्प किए मेरा पूजा करने में, क्योंकि लाइन में लगा दिए हमको। और वही बता रहे दीदी कि इसी के लिए मैं रुकी हुई हूँ, और मेरा तो पूजा हो गया है, लेकिन बहुत हेल्प किए दीदी। और दीदी की जो बेटी है दीप्ति, वो भी बहुत हेल्प की मेरा, क्योंकि हम लोग इस बार जो आई हूँ, दूसरा बार आई हूँ पूजा करने के लिए, तो उतना आइडिया नहीं रहता है। तो दीदी से पूछ पछ कर सब लोग पूजा की हूँ, दीदी सब बता रहे हैं। को जितने भी भगवान जी है सबके पास सृजल बाबू का किताब जो है वो छुआ दी और गोड़ लगवा दी, बहुत हेल्प हुआ हमको उन लोग से, दीदी लोग से। तो देखिए सभी लोग पूजा कर रहे हैं बड़े ही श्रद्धा के साथ, और देखिए अभी भी लाइन में सब लगे हुए हैं। और आज माता उनका विदाई है, तो इतना भीड़ तो बनता ही है, क्योंकि माँ जो है सबको रुला कर चली जाएगी। और इतना 9 दिन से थे, तो बहुत ही मतलब चहल पहल जो होता है, शोर शराबा बहुत ही चल रहा था, अच्छा लग रहा था, बच्चे लोग को भी अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, माँ जो है 9 दिन ही रहते हैं, 10 दशमी के दिन तो चले जाते हैं हम सबको रुलाकर। तो देखिए मैं थाली लेकर आई हूँ, और सीजल बाबू को देखिए, बहुत मज़ा आ रहा है उसको। तो देखिए हमारी माता रानी कैसी दिख रही है, आप सब भी आशीर्वाद ले लीजिए, क्योंकि सबको अच्छा से रखेंगे दुर्गा माँ, तो अगले साल फिर से हम सभी लोग जो है माँ का दर्शन कर पाएंगे, और सबको हंसी खुशी रखिए माँ, यही उम्मीद से गई थी मैं। और जो भी गलती भूल चूक हो गया होगा हम लोग से, वो माफ़ करेगी माँ। तो देखिए सब लोग पूजा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा, सुकून मिला पूजा करके। और ये जो कलशा है यहाँ पर, उसमें दुर्गा माँ का तस्वीर जो होती है वो देखना होता है, तो बहुत ही अच्छे से हमको जो है माँ का जो मुख है वो दिखाई दिया हमको पानी के अंदर, कलश के अंदर। बहुत खुश हुई मैं, बहुत अच्छा लगा देखकर। तो देखिए सब जगह का अलग अलग नियम होता है, परंपरा होता है दोस्तों। तो आप लोग के यहाँ कैसे होता है, हम लोग के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, पूजा हो रहा है, मैं भी लाइन में काफ़ी अंदर चली गई हूँ, फाइनली दुर्गा माँ के पास पहुँच गई हूँ। और भूल गई थी मैं माथा पे पल्लू लेने के लिए, तो दीदी जो है वो हमको याद दिलाए कि माथा झाँप लो, माथा पे पल्लू ले लो। तो फिर माथा पे पल्लू ले लिए हैं, उसके बाद पूजा किए हैं दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में, आप लोग भी देखिए कैसे कैसे पूजा किए हैं हम लोग। मंगल मंगल।
इधर आओ इधर आओ, ठीक से आना, इधर मुझे इश्क सिखा करके रुख अभी जो है पूजा हो गया है, माँ का सिंदूर कर दिए हैं, पान कसेली खिला दिए हैं, मिठाई खिला दिए दोस्तों। उसके बाद आ गए हैं लास्ट में यहाँ पे धूप कटी दिखाने के लिए, अगरबत्ती भी बोलते हैं इसे, और पान के पत्ता पे जो है आरती दिखाएंगे कपूर से। तो देखिए बाबू भी कितनी क्यूट से बैठी है ना मेरे पास, आ गई है पूजा करने के लिए। बाबू को भी बहुत श्रद्धा है, पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है, घर में भी करती हूँ तो आ जाती है अगरबत्ती दिखाने के लिए। तो देखिए दोस्तों अभी जो है अगरबत्ती दिखा दूँगी माँ को, उसके बाद जो है मेरा पूजा है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद बाकी का आगे का करेंगे। जो सभी लेडीज़ सभी माता एवं बहनें जो भी हैं सभी एक दूसरे को सिंदूर करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है ये रिवाज यहाँ का, हम लोग को बहुत पसंद आया क्योंकि हमारे बिहार में तो ये चीज़ नहीं होता है दोस्तों। तो देखिए अगरबत्ती दिखा रही हूँ माँ को, और हमारी जो उम्मीद करती हूँ जो हम पूजा कर रहे हैं माँ स्वीकार ज़रूर करेंगे दोस्तों, बड़े ही श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, और हम सभी का मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगी माँ, क्योंकि आज जो है हम सबको छोड़कर जा रही है माँ, तो ज़रूर हम लोग का हर जो दुख तकलीफ है वो सब साथ लेकर जाएगी और खुशियाँ ही खुशियाँ देकर जाएगी हम लोग को, ये उम्मीद ज़रूर है माँ से। तो देखिए दोस्तों दो कटी है वो जला ले रही हूँ, और बाबू भी बहुत अच्छे से पूजा कर रही है, और देख सकते हैं, और दीदी जो है यहीं पे हैं और सब बता रहे हैं हमको कैसे क्या करना है। तो थैंक यू सो मच दीदी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो देखिए दोस्तों अभी जो है पान का पत्ता पे, और अभी आरती दिखाएंगे माँ को। तो देखिए कैसे हम लोग यहाँ करते हैं, आप लोग भी देखिए, अगर आप लोग के यहाँ होता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग ज़रूर इंजॉय कीजिए। कपूर को ऐसे ले लेते हैं पान के पत्ता पे, और माँ को आरती दिखाते हैं डायरेक्ट हाथ पे रख के। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो है आरती दिखाएंगे माँ को, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ का रिवाज जो भी है वो करके बहुत शांति मिलता है दोस्तों। उसके बाद देखिए आरती करके फिर यहीं पे रख देते हैं, गोल लग लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं दुर्गा माँ से, जो भी गलती हुआ होगा माफ़ कीजिएगा माँ। तो देखिए दोस्तों उसके बाद जो है कलश में माँ का मुख देखते हैं हम लोग। तो देखिए बहुत ही अच्छे से दिखाई दिया, और ये जो उंगली है ना फिंगर्स नहीं दिखाना चाहिए था, दीदी बाद में बताए हमको, पहले ही बताए थे लेकिन मैं नहीं समझी थी, और कोई बात नहीं माँ माफ़ करेगी क्योंकि हम कभी नहीं जानते थे ये सब, तो दीदी जो है वो बताई है। तो देखिए दोस्तों उसके बाद जो है आशीर्वाद ले लेते हैं माँ से, और बाबू भी गोड़ लग लेती है बहुत ही अच्छे से, और उसके बाद जो है हमारी बारी आ जाती है एक दूसरे को सिंदूर लगाने की। कनक जी भी यहीं पे हैं, और ये दीदी जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं सिंदूर लगाना। तो देखिए इस तरीके से यहाँ लगाया जाता है, पूरा दुल्हन की जैसा सजाया जाता है दुर्गा माँ की कृपा से, ऐसे ही हम लोग हमेशा सजे रहें। तो देखिए दोस्तों सभी लेडीज़ एक दूसरे को ऐसे ही लगा लेंगे सिंदूर, देख सकते हैं।
दोस्तों हम लोग का जो पूजा है वो हो गया है और सभी दोस्त लोग भी मिले, सबको सिंदूर कर दिए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और ये रिंकू दीदी हैं, देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं ना। और सभी लेडीज़ जो जितने भी थे बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे, क्योंकि दुर्गा माँ जो है सबको सजा कर जा रहे हैं ना, तो खूबसूरत तो दिखना ही है। उसके बाद देखिए दीदी मिले, फिर दीदी को भी सिंदूर कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, और भी मतलब थोड़ा थोड़ा सा देर हो रहा है, सब लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और देखिए दोस्तों, जो भी नियम यहाँ का होता है वो दीदी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा हमको। तो अभी जो अभी बचे हुए हैं वो सिंदूर करेंगे और हम भी उनको करेंगे। दीदी तो बहुत ही प्यारी लग रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है सभी लेडीज़ का हो गया पूजा। उसके बाद जो है दीदी है ना, वो अब ये भैया जो है देवर लगते हैं इनके, तो पूरा मजाक चल रहा था, पूरा होली जैसा सिंदूर लगा दिए। देवर भाभी का रिश्ता ही ऐसा होता है, इतना तो बनता ही है। और बहुत अच्छा लगा, सभी बहुत खुश हो गए देखकर। तो मैं बोली कि भैया आप भी लगाइए दीदी को, तो वो शर्मा रहे थे, नहीं लगाए। उसके बाद दोस्तों पूजा पाठ तो हो गया, अभी सब अपने अपने घर निकल रहे हैं। तो देखिए दीदी जो है फोर व्हीलर लिए हैं, तो फोर व्हीलर से ही हमको भी घर पहुंचा दिए। तो देखिए दीदी ना बहुत ही मतलब केयरफुल आदमी हैं और बहुत ही दूसरे का केयर करते हैं। बहुत अच्छा लगा दीदी इतना सपोर्ट किए। तो देखिए दोस्तों आ गए घर पे। छोटकू बाबू जो है नहीं गई थी और वो उठ गई थी, पापा लेकर बाहर बैठे हुए थे। तो दोस्तों मेरा जो आवाज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा, क्योंकि सर्दी खांसी हो रखा है तो थोड़ा सा आवाज़ भारी हो गया है। और कुछ फ़ोटो क्लिक किए थे वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स सब कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ये वीडियो जो है यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरा ब्लॉग। मिलते हैं एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।